राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौसर में बुधवार को लापरवाही के कारण एक छात्र की जान चली गई। स्कूल में निर्माण कार्य को लेकर आया ट्रक सीमेंट खाली कर जब लौटने लगा तो ट्रक ने गेट के टक्कर मार दी। इससे स्कूल की दीवार पास में ही खेल रहे छात्र प्रभुराम पर गिर गई। इसके बाद छात्र को अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बायतू से राकेश जैन की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल में निर्माण के लिए मंगाए गए सीमेंट के ट्रक के चालक की लापरवाही के कारण बुधवार को एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसा बायतू थाना क्षेत्र के नौसर गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। इस विद्यालय में इन दिनों निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसके लिए बुधवार को सीमेंट का ट्रक मंगवाया गया था। स्कूल परिसर में सीमेंट खाली करने के बाद जब ट्रक वापस लौटने लगा तो चालक की लापरवाही से ट्रक स्कूल के गेट से टकरा गया। इससे स्कूल की चार दीवारी गिर गई। इसी समय दीवार के पास ही छात्र प्रभुराम खेल रहा था। टक्कर के बाद दीवार छात्र प्रभुराम पर गिर गई। इस दौरान पास खड़े ग्रामीणों ने तत्काल ही बालक को निजी वाहन से बायतू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर हादसे की सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण स्कूल पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मुआवजे की मांग पर अड़ गए। वहीं मृतक के परिजनों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया। इसकी जानकारी पर SDM सुभाष यादव, बायतू पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। समाचार प्रसारित होने तक ग्रामीणों से बातचीत का दौर चल रहा था।